भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अंतर जनपदीय तस्कर गिरोह के चार सदस्य दुर्लभ प्रजाति के एक रेड सैंड बोआ सांप के साथ गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देशन में अपराधियों एवं तस्करों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र के पर्यवेक्षण में प्रभारी स्वाट सर्विलांस के नेतृत्व में एक रेड सैंड बोआ दो मुहा सांप के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 24 जून 2021 को कोतवाली देहात स्वाट सर्विलांस व वन विभाग की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को सेखुई कला तिराहे से गिरफ्तार किया गया, जो कार से एक रेड सैंड बोआ दो मुहा सांप जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है जो तस्करी हेतु ले जा रहे थे। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह लोग दुर्लभ प्रजाति के इन सांपों को पकड़ते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की बिक्री होती है, ग्राहक तलाश कर बेच देते हैं और प्राप्त रुपए को आपस में बांट लेते हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध वन जीव संरक्षण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायालय रवाना किया गया। प्रमोद पांडे की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर की क्राइम ब्रांच की टीम ने सोर्स की सूचना पे एक जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है उसके अंतर्गत एक रेड सैंड बोआ की रिकवरी करी है। और जो दो मुआ सांप होता है जो इस तरह का टिपिकल एक एंडेमिक प्रजाति है, इसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में 2.5 करोड़ से शुरू होती है और 25 करोड़ तक जाती है। तो करीब 2.5 किलो का ये सांप रिकवर किया है और इसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से दो लोग श्रावस्ती के एक बस्ती का और जो उसका जो मुख्य जो उसका जो लेके आ रहा था बाबर खान वो सिद्धार्थनगर जनपद का रहने वाला है। और इनके पास से फोन वगैरह भी कुछ हमें फोन मिले हैं और कुछ नकद की भी रिकवरी हुई है। तो इनकी अभी ये कहते हैं बैक चैनल फॉरवर्ड चैनल की भी जानकारी दी जा रही है कि ये कहाँ आगे कहाँ देने जा रहे हैं और कहाँ अगर सोर्स अगर पीछे भी कोई है तो वो और काफ़ी एक अच्छा ये सोर्स की सूचना से वर्क किया गया है। तो कहाँ से ये पकड़ के या लेके आए थे? ये अभी तक जो सूचना मिली है ये अक्रॉस द बॉर्डर से नेपाल और जो इंडिया का बॉर्डर है तो ये जो जंगल क्षेत्र है इसी तराई बेल्ट से ही क्या कहते हैं इसको पोच किया गया है।